इस वीडियो को कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स ने इस दावे से शेयर किया कि भारतीय छात्रों को कनाडा में फर्जी आईएलएस रिजल्ट प्रस्तुत करने के कारण वापस भेजा जा रहा है। आईएलएस अंग्रेजी भाषा की दक्षता के लिए ली जाने वाली एक परीक्षा है। दावा किया गया है कि यह वीडियो टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड किया गया था। तो क्या है इस दावे की सच्चाई? कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी ने ट्वीट कर इस दावे को गलत बताया है। छात्रों को वापस नहीं भेजा गया था, बल्कि वे स्टडी परमिट का इंतजार कर रहे थे। तो इस प्रकार पाकिस्तानी सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने गलत दावा किया कि कनाडा से भारतीय छात्रों को वापस भेजा गया है। धन्यवाद।